जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सेल एक्शन अक्टूबर 2021 को अवेल करने का बेहतरीन तरीका, क्योंकि हमारे पास सेल एक्शन, जैसा कि आप सबको मालूम है, सेल एक्शन अक्टूबर में तीन डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है। सबसे पहली ऑप्शन है एक परफ्यूम जो कि आपको 80 बीपी या उससे अबव करने पे मिलेगा, और दूसरी ऑप्शन है 120 बीपी, और तीसरी ऑप्शन है 150 बीपी यानी कि 150 बीपी। और चूंकि ये हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इसको अवेल करने के लिए आपको इन बीपी रेंजेस के अंदर ही रहना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज अभी यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ 80 बीपी का, और मैं देखता हूँ कि हमें सेल एक्शन अवेलेबल होता है कि नहीं, तो मैं एक आइटम ऐड करता हूँ अपने शॉपिंग बैग में और अपने, ओहो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, हम देखते हैं हमारे पास कोई और आइटम हो। अब हम 32 80 बीपीज अपने शॉपिंग बैग में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे हमारे पास सेल एक्शन की कौन सी ऑप्शन आती है। जैसा कि मैंने एक आइटम ऐड किया और अपने बीपीज 80 बीपीज कंप्लीट किए, तो आप यहां देख सकते हैं कि एक सेल एक्शन 80 बीपीज वाला हमारे पास अवेलेबल है। इसको ऐड टू बैग करेंगे, तो इसके लिए आपको जैसा कि यहां पे एक रेंज दिखाई दे रही है 82 119, मतलब कि हमें इस बीपी, अगर हमने इस सेल एक्शन के ऑप्शन को अवेल करना है तो हमें इस रेंज के अंदर बीपीज एंटर करने हैं। जैसे ही मेरे 120 पॉइंट होंगे, मुझे ये वाली ऑप्शन नहीं नजर आएगी, मुझे 120 बीपी वाली ऑप्शन नजर आएगी। ये देखिए मेरे 120 बीपीज कंप्लीट हैं, तो अब मुझे सिर्फ 120 की ऑप्शन नजर आ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे मोहतात रहना है कि अगर आपने तीन ऑप्शन लेनी है तो आपको तीन डिफरेंट ऑर्डर करने पड़ेंगे। पहले एक ऑर्डर करेंगे आप 82 119, मतलब 80 से 119 बीपीज के दरमियान, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इन्हीं अपने बीपीज को 150 प्लस कर देता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास सिर्फ जो ऑप्शन होगी 150 बीपी की अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये तीनों ऑप्शंस को अवेल करें, तो आप वन बाय वन तीन डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करेंगे और तीनों ऑप्शंस को ले सकेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी रेंज से बाहर गए तो आपको पिछली ऑप्शन कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो मैं सबसे पहले अपनी ऑप्शन लेता हूँ 80 बीपीज वाली, 80 बीपीज वाली मैंने ऑप्शन ली, एड टू बैक किया और ऑर्डर को सेव कर लिया। पेमेंट पे आएंगे हम, यहाँ पे एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे डमी पेमेंट भी करूंगा। ऑर्डर को पे करने से पहले जरूर एक बार अपने ऑर्डर की डिटेल्स को चेक कर लिया करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप तक का ये प्रोडक्ट है और आपने ये सेल एक्शन इसमें अवेल किया हुआ है 399 रुपीज का, और इस ऑर्डर को जब हम पे करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब मैंने 80 बीपीज वाला चूंकि सेल एक्शन ले लिया है, तो मुझे नेक्स्ट जो है सेल एक्शन कितने पे मिलेगा। नेक्स्ट सेल एक्शन अगर मैं 120 वाला लेना चाहता हूँ, जी तो हम अब अपने नेक्स्ट ऑर्डर में हैं। जैसा कि हमने पिछला अपना सेल एक्शन 80 बीपीज पे लिया था और मैंने 120 फर्दर इसमें ऐड किए हैं, तो अब मेरे जो हैं 200 प्लस हो गए हैं, तो मतलब 120 वाली ऑप्शन मुझे अवेलेबल होगी। तो जैसे कि आप यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ये है 120 बीपी वाली ऑफर, तो चूँकि मैंने अपने 80 बीपीज पहले से कम्प्लीट कर लिए थे तो ये मुझे 200 प्लस पे दिखाई देगी। इसमें आपके पास ऑप्शन होगी अवेलेबल एक, कोई भी परफ्यूम अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं।
तो मैं फॉर एग्जांपल असेंडेंट चूज करता हूँ और राइट टू बैक करता हूँ, तो मुझे इसमें से और की ऑप्शन है, यानी कि इसको याद रखिएगा, आप सिर्फ एक परफ्यूम चूज कर सकते हैं। तो मैंने असेंडेंट को ऐड टू बैक किया और उसके बाद अपना डिलीवरी मेथड चूज किया, मैं इसको लाहौर ब्रांच से पिकअप करना चाहता हूँ। उसके बाद पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट में चूंकि डमी है तो इसको हम टेस्ट पर्पज के लिए करेंगे, आपने अपनी मर्जी की पेमेंट चूज करनी है और उसके बाद अपने ऑर्डर की डिटेल्स चेक करनी है। चेक कीजिएगा कि आपके पास आपका सेल एक्शन अवेलेबल है कि नहीं है, आपने अपना ऑर्डर कंफर्म करना है, उसके बाद पे कर देना है। जैसे आप ये ऑर्डर पे करेंगे, इसके बाद आपके पास जो तीसरी ऑप्शन होगी वो होगी फर्दर 150 बीपीज इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 200 बीपीज अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो फर्दर 150 मेरे हो जाएंगे 350 पे। तो हम तीसरा ऑर्डर जब प्लेस करेंगे वो चेक करेंगे कि 150 पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। याद रखिएगा कि आपके पास सेल्स एक्शन आपको अपनी रेंज में रहना है, जैसे ही आप रेंज से बाहर निकलेंगे आपके पास पिछली ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों ऑप्शंस को अवेल करना चाहते हैं तो आपको अपनी बीपी रेंज में रहते हुए तीन डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करने हैं। जी तो हम देख रहे थे अभी तक हमने दो सेल एक्शन उठा लिए हैं, पहला 80 बीपीज वाला ऑर्डर प्लेस करके, दूसरा 120 बीपीज के ऑर्डर प्लेस करके, अब तीसरा ऑप्शन है 150 बीपीज वाला। तो मैंने भी इनके शॉपिंग बैग में 150 बीपीज का एक ऑर्डर प्लेस किया, तो मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास तीसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना सेल एक्शन अवेल करते वक्त एक अपनी बीपी रेंज के अंदर रहना है, और जैसे ही आप अपनी बीपी रेंज से बाहर निकलेंगे तो आप जो है पिछली ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया 120 एंड अबव बीपी का, तो मुझे सिर्फ ऑप्शन नजर आएगी 120 बीपी की। ठीक है, और जैसे ही मैं अपना 150 बीपी की रेंज में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 150 की नजर आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों ऑप्शन आप अवेल करें तो आप अपने ऑर्डर को तीन डिफरेंट ऑर्डर में स्प्लिट करें और आप तीनों ऑप्शन को बड़े आसानी से अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया।